वेलकम टू इजी बिजी किचन, आपके अपने ही किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं देसी कटहल का रसेदार देसी तड़का। अब इसके लिए हमें चाहिए, पहले हमने रफली चॉप कर लिए हैं अनियन, जिंजर एंड गार्लिक। इसको हम लोग मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तीनों चीज़ों को मिला के। अब इसके अलावा मुझे चाहिए हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, क्यूब्स में कटे हुए कटहल एंड होममेड गरम मसाला। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, या सिलबट्टे पे आप लोग ग्राइंड कर सकते हो। ये हमने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके से करना है, बिल्कुल महीन चॉप्स। अब हम लोग गैस पर प्रेशर कुकर रखते हैं और कुकिंग ऑयल उसमें डाल के बॉइल करते हैं। ये हमने प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें हम लोग करेंगे ये मसाला ऐड, जो हमने अनियन और ये हमने इसमें ऐड कर दिया अनियन, जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। अब इसको हम लोग पिंक होने तक ही भूनेंगे। इसको इस तरीके से पिंक होने तक की भूनेंगे। देखिए लगभग हमारा पिंक होने को ही आया है। देखिए हमारा ये पिंक हो चुका है अच्छी तरीके से। इसमें हम लोग हल्का सा ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर। इसको टॉस करेंगे और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। अब डाल देंगे इसमें कटहल और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे। अगर इसमें आप नीड हो तो बेलीफ भी यूज कर सकते हो। ये हमारा अच्छे से भून गया। अब इसमें रस का पानी ऐड करेंगे और दो तीन विसल दिलवाएंगे। दो तीन विसल दिलवाएंगे फिर रूम टेम्परेचर पर ही खुलने देंगे। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से वैसे लाके पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। और इसी के ऊपर हम लोग अब लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे होममेड गरम मसाला एंड फ्रेश कोरिएंडर और सर्विंग के लिए सर्व करते हैं। ये कटहल की हमारी ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।